हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं? आज से हम आपके लिए ऑनलाइन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं कि आप जिनको मार्शल आर्ट के बारे में नहीं पता वो किस तरह से मार्शल आर्ट शुरू कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये वीडियो देखें और जो हम इसमें करवाते हैं वो मार्शल आर्ट आप अपने घर पर कोशिश करें, जो जो हम इसमें एक्सरसाइज कराते हैं वो सब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जॉगिंग करते हैं। तो ये जो जॉगिंग है अलग अलग तरीके से की जाती है, पहले जॉगिंग फिर हाथों को चला करके, या फिर जैसे आप कर सकते हैं उस तरह से आप ये जॉगिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स कहने का यह है कि आप को सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना होता है। आप इसमें दौड़ भी लगा सकते हैं, जॉगिंग कहते हैं जिसको हम, या फिर और स्पोर्ट रनिंग एक जगह जैसे हम भाग रहे हो इस तरह से करना हो सकता है। तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना होता है, उसके बाद हम करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज, जैसे नेक मूवमेंट है, गर्दन को घुमाना, फिर उसको रिवर्स उल्टा घुमाना, इसके बाद साइड टू साइड, ये सारी एक्सरसाइज हम 10-10 बार कर सकते हैं। इसके बाद ये अप एंड डाउन एक्सरसाइज है, उसके बाद शोल्डर्स मूवमेंट, ये 10 बार ही करेंगे। उसके बाद इसको हम रिवर्स करेंगे, और ये सारी एक्सरसाइज हम रोज करते हैं। इसके बाद ये फुल हैंड मूवमेंट है, और इसके बाद इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज हमें रोज करनी है, जैसे ये एल्बो मूवमेंट, कोहनियों को सही रखने के लिए रिस्ट मूवमेंट है, इसको रिवर्स फॉरवर्ड कर दो, और ये बैक मूवमेंट, इसको भी हम 10 बार करेंगे। इसके बाद ये हिप मूवमेंट 10 बार एक तरफ से, और इसके बाद इसको रिवर्स करना है 10 बार इधर से। ऐसे ही एक्सरसाइज करते करते नीचे चलेंगे, नी मूवमेंट करेंगे, इसके बाद इसको रिवर्स करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे एंकल मूवमेंट, पंजों को गोल गोल घुमाना ताकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाए। इसी तरह से रिवर्स फॉरवर्ड दोनों पैरों से हम कर लेंगे। इसके बाद पैरों को स्ट्रेच करेंगे, जैसे मैं अभी में करके दिखा रहा हूँ दोनों पैरों को, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सिंगल टचिंग। सीधे खड़े हो जाओ, नीचे जमीन को टच करो, ऊपर कमर पे हाथ लगा के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो अपने आप को। ये एक्सरसाइज हम 10 बार करते हैं। इसके बाद इसको हम बोलते हैं लेग आउट एक्सरसाइज। इसके बाद इसका नंबर आता है, इसको हम 20 बार करें रोज, ऊपर की तरफ सीधे हाथ से उल्टा पैर, उल्टे हाथ से सीधा पैर, और इसके बाद ये ट्रिपल बेंडिंग एक्सरसाइज 3 बार एक्सरसाइज की जाती है, इसको भी 10 बार करना है। पैर टच करेंगे अंदर की तरफ, हाथ आगे की तरफ और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हमें 10 बार करनी है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज इसको बोलते हैं हाफ थाई स्ट्रेच, इसको भी हम 10 बार करते हैं। और इसके बाद अगली एक्सरसाइज आएगी जिसको हम बोलते हैं साइड वर्ड अप साइड, ये देखिए इसको भी हम 10 बार करेंगे। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये हमें, अगर हम मार्शल आर्ट ना भी करते हो, हमें अपनी खुद की फ्लेक्सिबिलिटी और खुद की फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए ये कर लेनी चाहिए रोज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो कम से कम ये एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं फुल थाई स्ट्रेच। इसमें पूरा नीचे बैठना होता है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ, इसी तरह से इसको 10 बार, 15 बार या 20 बार इसकी क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम लेग स्ट्रेच करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, एक तरह से एल शेप बना लेते हैं, एक पैर को हिप के पीछे और आगे वाले पैर को फैला करके सिर्फ पंजे को पकड़ के अपनी नाक घुटने पर लगानी होती है। इसके बाद पैरों को चेंज कर लेंगे और दूसरे पैर पे भी सेम एक्सरसाइज वैसे ही। ये सारी एक्सरसाइज हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए रोज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। ये सब एक्सरसाइज जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये बटरफ्लाई को करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसको भी हम रोज करें तो बहुत अच्छा है। ये मार्शल आर्ट की
किक और पंच करने से पहले की जो एक्सरसाइज है वो हमें कर लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और आसानी से किक और पंच किए जा सके। जैसे कि स्ट्रेचिंग पर बैठ के उल्टे हाथ को पीछे ले जाओ, सीधे तरफ चलो, सीधे हाथ को पीछे ले जाओ, उल्टी तरफ चलो, इस तरह से, यानी कि सीधे हाथ से उल्टा पैर और उल्टे हाथ से सीधे पैर को पकड़ के नाक घुटने पर टच करनी होती है, फिर दोनों हाथों से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे अपर बॉडी यानी कि बैक बोन, कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है। ये सेतुबंध एक्सरसाइज है जो मैं योगा में कराते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कमर की जो मसल है उसको स्ट्रेचेबल बनाने के लिए। ये चक्रासन एक्सरसाइज है। अब आते हैं मार्शल आर्ट के पंचेस की तरफ। जैसे हम ओजिस्तान की जो पोजिशन है, ओजिस्तान सबसे पहले हम हाथों को ऊपर नाक के सामने चलाते हैं, ये देखिए किस तरह से। इसके बाद मिडिल पॉइंट यानी कि फ्लक्स के सामने ये 10-10 बार या 20-20 बार ये सारी एक्सरसाइज हम करते हैं। इसके बाद लोअर पॉइंट नीचे की तरफ। ये सब बेसिक एक्सरसाइज है जो आप आसानी से घर पे कर सकते हो देख देख करके। इसके अलावा ऊपर वाले पंच का अपर डिफेंस, ये जो हमने नाक पे पंच मार कर दिखाया था उसको डिफेंस किस तरह से करना है ये उसी की एक्सरसाइज है, ये भी हम 10-10 या 20-20 बार करें। इसके बाद ये लोअर पंच जो मारा था उसको किस तरह से हम डिफेंस करेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज हम घर पे कर सकते हैं। इसके बाद एक किक का नंबर आया तो बोलते हैं स्ट्रेट किक। पहले आराम से खड़े हो जाए, उसके बाद सीधे पैर को आना है ऊपर कंधे के पास तक, आगे वाला पैर मुड़ा हुआ रहेगा और फिर ये स्ट्रेट किक कंधे के पास तक। इसको 10-10, 15 या फिर 20 की क्वांटिटी में किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी इस एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज में कर सकते हैं। फिर सीधे पैर के बाद उसको उल्टे पैर से करना होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम किक चला रहे हों तब हमारा जो हाथ है जिस तरफ से किक चलिए उस तरफ वाला हाथ कमर से जाएगा। अब इसका गोल्डन आउटर किक, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है पैरों की ताकि दूसरे किकें आराम से की जा सके। ये दोस्तों ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम बेसिक मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं कल अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे आगे की एक्सरसाइज और इससे आगे के पॉइंट और किक के बारे में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं जिनको मार्शल आर्ट सीखनी है ऑनलाइन या देख देख के वीडियो वो लोग देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।